तो भाई गाइस, मैं तो आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़कर घर वापस। और आज हमारा 22वां रोज़ा भी कंप्लीट हो चुका है और आज 23वीं तरावी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी किसी कुछ ऐसा है, हमने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह के बज रहे हैं 3:30, तो आज हम 3:30 बजे उठ गए। और वो क्यों उठ गए वो हम आपको बता ही देते हैं। तो अभी हम ना रोज़ 4 बजे उठ रहे थे, तो आधा घंटा में मतलब सही से हो नहीं पा रहा था। हो तो रहा था मगर यह है कि टाइम हो जाता था जल्दी जल्दी, फिर ना जल्दी जल्दी खा नहीं पाते थे। तो ना मम्मी ना आज 3:30 बजे उठ गई हैं और सहरी की तैयारी करने लग गई हैं। तो मम्मी तो सहरी की तैयारी कर रही हैं और मैं अपना फ्रेश होके अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं आपके साथ रूबरू भी हूँ और पापा को भी उठाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि आज हम जल्दी उठ गए। अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा बाकी है और आज मैं आपको अपनी फेवरेट सहरी बताने वाला हूँ। बताने क्या, दिखाने वाला हूँ। तो दिखाऊंगा मगर अभी नहीं, जब सहरी करूंगा जब दिखाऊंगा। आप भी क्या बोलेंगे, क्या फेवरेट है तेरी? मगर आज मैंने मम्मी से कह ही दिया कि आज मुझे यही खाना है, क्योंकि इस रमज़ान मैंने एक बार भी नहीं खाया और पिछले रमज़ान तो मैंने बहुत खाया, बहुत। मम्मी से बस वही बनवाता रहता था बार बार। तो बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए और अपनी फैमिली में खुश रहिए, आबाद रहिए, जो मर्जी आए वो करिए। तो देखते रहिए अरकान सिद्दीकी ब्लॉग। देखिए गाइस, ये है मेरी फेवरेट सहरी। तो चाय पराठा मेरा फेवरेट है। तो मैं मतलब पूरे अगर महीने भी अगर मुझे बोलोगे ना चाय पराठा सहरी करने के लिए, तो मैं पूरे महीने कर सकता हूँ। इसलिए तो सबसे ज़्यादा इजी भी लगता है मुझे, क्योंकि और चीज़ ना जल्दी से खाई नहीं जाती सहरी में। सुबह सुबह कौन खाता है खाना वगैरह। तो मम्मी ने आज दाल गोश बनाया था मगर मुझे नहीं दिल करता, मतलब सुबह में जल्दी से मेरा ये सब खाने का चीज़ दिल नहीं करता। तो मुझे सबसे इजी और सिंपल लगता है। देखिए मम्मी ने एक पराठा और रख दिया है और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये है मेरी फेवरेट। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इजी है बहुत, चाय पराठा खाओ अपना, फ्री हो जाओ जल्दी से, और क्या है। तो चलिए सहरी करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे, बने रहिएगा एंड तक। तो भी गाइस, हमारी तो सहरी हो चुकी है और आ गए हैं अपना व्लॉग शूट करने के लिए। तो बिल्कुल हो चुकी है, इजी था ना, ज़्यादा देर नहीं लगती, यूँ ही हो जाती है, एकदम झट से हो जाती है। अभी ऐलान हो रहे हैं कहीं कहीं कि भाई इतनी मिनट रह गए, इतनी मिनट रह गई हैं। तो आज आपको वो भी सुनाने वाला हूँ। तो हमने पापा के लिए रख दिया सहरी, पापा गए हैं कपड़े चेंज करने के लिए। तो 4:20 हो रही हैं और सहरी रख दिया पापा की, आज तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, तो कपड़े चेंज करने गए हैं हॉल कमरे में। पापा भी आ गए हैं सहरी कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है पापा की बिल्कुल भी। आज डबल रोटी भी खाते हैं, आज मम्मी ने डबल रोटी भी भिगो दी है। तो वैसे हम खाते तो है नहीं ज़्यादा, मगर आज भिगो दी मम्मी ने, तो अभी खाते हैं। सहरी का टाइम ख़त्म हो गया और हम भी फ्री हो गए, मेरे भी कंप्लीट सहरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सभी को 22वीं सहरी, 22वां रोज़ा मुबारक और जुम्मा मुबारक, क्योंकि आज जुम्मा स्पेशल है। तो सुनते रहिए, चारों तरफ ऐलान ही ऐलान हो रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं ये सुनने के लिए और रमज़ान हमारा ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद में हमें पूरा साल याद आएंगे। सुनिए, कर लीजिए बिल्कुल नियत कर लीजिए, मैं भी करने वाला हूँ। बोतल अभी बंद कर दूँगा, मैं पानी नहीं पीऊँगा। ये हमारी बख्शी वाली मस्जिद में हो रहा है। सुनिए चारों तरफ माशाल्लाह अजान ही अजान, तो आज आपको अजान भी सुना रहा हूँ। माशाल्लाह सहरी में ना अजान बहुत अच्छे से सुनाई देती, क्लियर एकदम बिल्कुल। दिन में शोर शराबा रहता है और सहरी में ना क्लियर अजान सुनाई देती है और कोने कोने तक जाती है माशाल्लाह। तो भैया मैं तो आ चुका हूँ नमाज पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी ना थंबनेल बनाते हैं वीडियो का और शेड्यूल लगाते हैं, सो जाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आपको। बहुत बड़ा मैंने सहरी का रूटीन दिखा दिया है, बहुत कुछ दिखा दिया है। अभी ना कल सुबह के लिए छोड़ते हैं, तो अभी फिलहाल सोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सुबह। टू फैमिली गुड मॉर्निंग। तो आज कभी देखिए कैसे सुबह सुबह से ही, मतलब आज स्कूल की इसकी छुट्टी है ना, तो आज सुबह से इसके नाटक चल रहे हैं। देखो मैं मोबाइल देखूंगा, मैं उठा 10 बजे,
तो कब से इसने मोबाइल ले रखा होगा मुझे नहीं पता। मैं तो शहरी में रख के सो गया था, उसके बाद से मेरे पास से फोन गायब बजे था। से मोबाइल था इसके पास? मम्मी बोल रही 7 बजे से, 7 बजे से 10 बजे तक देखा, और अभी भी देखो मोबाइल मांग रहा। देखो ये रहा, देखो कैसे रो रहा है, बुला बुला के रो रहा है। देखो देखो हर चीज़ देखो कैसे फेंक रहा है। देखो 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 कितना नाटक। ये देखो कितना गंदा बच्चा है। तो कोई भी लाइक नहीं करेगा तुझे। तो गाइस अगर कबीर की नौटंकी आपको पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, पसंद है या नहीं पसंद है, तो दोनों ज़रूर बताना। बहुत मस्ती खोर है, बहुत नाटक करता है, और रो रो कर मोबाइल भी ले लेता है, और नानी के हाथ में जब भी फ़ोन जाता है ना तो फ़ोन छीन लेता है, मतलब देखने नहीं देता। मैं तो फिर भी थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, मैंने कहा अभी दूंगा, अभी बाद में दूंगा। तो मम्मी ने शहरी में जो डबल रोटी भिगोई थी ना, तो मम्मी लेकर आई है कबीर के लिए। तो हेलो कबीर अगर उसको फिनिश करोगे ना तब आपको फ़ोन मिलेगा। नहीं 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 उससे पहले मैं दूंगा नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ लो कैमरे कैमरे में आ गया, कैमरे में आ गया में मालूम आ है गया, सब पापा। सब आ गया कैमरे में। देखो देखो कैसे मार रहा है मुझे, देखो देखो सब दिखा दिया मैंने आज। तुम्हारा अल्लाह शरीफ बच्चा नहीं है जितना दिखाई देता है। बहुत गंदा बच्चा है बहुत। देखो देखो कपड़े किसके हैं ये, नानू ने प्रेस किए हैं वो, सलवार कमीज किसकी है वो, क्या चाहिए वो, क्या तीर कमान अर्तुगुल वाला, वो ईद पे मिलता है, ईदगाह में, ईदगाह में मिलेगा वो बेटा। नहीं देखो ये कपड़े मैं पहन लूं, मैं पहन रहा हूँ, मैं पहन रहा हूँ, मैं पहन लूं, ये मैं पहन लूं कपड़े है? मैं तीर कमान चाहिए। हाँ। अच्छा चलो पहले कपड़े पहन लो ना, कि जब जब दिला के लेके आऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है जल्दी से कपड़े पहन लो, ये फ्रेश हो गए, ठीक है चलो। हाँ फिर दिलाऊंगा। देखिए हमारे तो माशाल्लाह सफाई भी हो चुकी है, और कबीर देखिए, कबीर अभी भी फ्रेश होने के लिए नहीं गया, और तीर खतान मांग रहा था, तीर खतान, तीर कमान को तीर खतान कह रहा था यार। अभी क्या बोलते हैं, तीर खतान, तीर कमान होता है वो, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी अगर चले आओगे तो, आप उसको मारती है पुलिस। तो चलिए सफाई हो गई है, और हम भी प्रेस करते हैं अपने कपड़ों पे और रेडी होते हैं जुमे के लिए। हाँ जेल में डाल दिया उनको। कबू जल्दी सबको बोलो जुमा मुबारक आप सभी को, हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से। मिलते हैं आपसे बाद में। मैं जुमा पढ़ने नमाज पढ़ने जाऊंगा जुमा में। अच्छा जुमा पढ़ने जाओगे आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ नहीं बेटा आप अपने कपड़े पहनना, देखो ये वाले पहनना कपड़े, देखो कितने प्यारे प्यारे नानू ने प्रेस किया आपकी शलवार कमीज पे, पठानी देखो है ना, पहनोगे ना? क्या चाहिए? खिलौना ईद पे मिलता है ईदगाह में। अभी पुलिस को फोन कर दूं, पकड़ के लेके जाएगी, रात आई थी। चलो ठीक है मैं अभी प्रेस कर लूं अपने कपड़ों पे। चलिए गाइस प्रेस करते हैं आज, आज ये चेक वाली शर्ट पहनते हैं और जीन्स, तो आज वाइट भी नहीं पहन रहे, कोई सी नहीं पहन रहे, ये वाली पहनते हैं। तो भी गाइस हमारी तो प्रेस हो चुकी है, और अब मैं जा रहा हूँ तकिया मार्केट में, तो थोड़ा सा खत की सेटिंग करा के आते हैं अगर दुकान खुली हुई होगी तो, क्योंकि अभी फोन बज रहा है तो दुकान बंद भी हो सकती है, और मैं यहीं से भी देखूंगा, अपने घर से दिख जाता है हमारे घर से, तो देखते हैं अगर दुकान खुली हुई होगी तो खत की सेटिंग करा के आते हैं। गाइस हमारा खत तो सेट हो गया है, और चलते हैं घर और फ्रेश होते हैं। तो भी गाइस मैं तो फ्रेश हो गया हूँ, और जुम्मे की फुल तैयारी है माशाल्लाह, और कबीर भी रेडी हो गया है, तो कबीर भी शलवार कमीज पहनकर रेडी है। कबीर पी रहा है बॉर्नविटा की अपना फिटर, तो नहीं फिटर नहीं पी रहा, अपने है ना बड़े वाले मग में पी रहा है, तो कबीर ने तो फिटर छोड़ दिया माशाल्लाह, तो अब तो वो मग में पीता है अपना दूध वगैरह जो भी है, चाय दूध जो भी। तो अभी फिलहाल जुमे की हमारी तैयारी है, और आज मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, शायद बख्शी वाली में सोच रहा हूँ, बख्शी वाली में पढ़ते हैं ये, मैं सोचता हूँ अपनी वाली में अबू बकर में ही पढ़ते हैं, और आपको दिखाएंगे अभी, तो अबू बकर वाली में पढ़ते हैं। अबू बकर में तो 2:05 पर खुतबा है, और आपको वहीं दिखाएंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में नमाज की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी आधा घंटा बाकी है, तो आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करते हैं, या फिर वजू करके कुरान शरीफ पढ़ते हैं, या नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ने के बाद ही कुरान शरीफ पढ़ेंगे, इतना थोड़ा सा रेस्ट करते हैं।
चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज का टाइम हो चुका है, सुन्नत वगैरह भी पढ़नी है, चलिए चलते हैं। तो भी आ गए मस्जिद, अंदर जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो ये देखिए जुमा तो हो चुका है, तो सब सुन्नत अदा कर रहे हैं और मैंने भी सुन्नत अदा कर लिया। मैं जा रहा हूँ घर। ये नमाज हो चुकी है और सब अपने अपने घर जा रहे हैं, बाइकों पे पैदल। तो नमाज हो चुकी है, घर जा रहे हैं सब। मैं तो नमाज पढ़ के आ चुका हूँ और कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। तो 2:30 बज रहा है तो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद में जो भी रहेगा आप देखेंगे। तो मम्मी भी देखिए नमाज पढ़ रही है इधर, और कबीर को लग रही है चीज़ लाने की। तो सबसे पहले कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे जो भी है। करते हैं कुरान शरीफ और देखिए कबीर का नाटक, नौटंकी देखिए इसकी। नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है, पिटाई होगी इसकी। तो सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे और काम। तो भी मेरे तो कुरान शरीफ पढ़ कर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं जा रहा हूँ किचन में मिक्स फ्रूट शेक बनाने के लिए। तो कल जो बनाया था आज भी वही बना रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे बहुत अच्छा लगा था, आज भी वही बनाऊँगा। तो उसमें अंगूर, चीकू, पपीता, केला, चारों चीज़ डालूँगा और बनाऊँगा मिक्स करके, तो मज़ा आएगा आज भी। तो चलिए चलते हैं किचन में। ठीक है, हमने तो केले भी ले लिए हैं और पपीता भी ले लिया, चीकू भी ले लिए, और ये देखिए ग्रेप्स हमने डाल दिए मिक्सर के जार में। तो अभी पपीता केले वेले कट करते हैं और जार में डालते हैं। देखिए गाइस हमने तो अपने फ्रूट कट कर लिए और मिक्सर के जार में डाल दिए, और इसको ग्राइंड करते हैं चीनी वगैरह डालकर और दूध डालकर। गाइस हमारा तो शेक रेडी है और आप देख सकते हैं, और अब हम इसको फ्रिज में लगा देते हैं तो ठंडा हो जाएगा। तो हमारा रेडी है शेक। ठीक है, मम्मी ने पकौड़ी की भी तैयारी कर ली है। आलू और प्याज को काट कर भिगो दिया है, वॉश करेंगे इसको, पानी निकाल देंगी जब इसकी मतलब तैयारी करेंगी पकौड़ी की। मैं तो शेक बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चला गया था, और रेस्ट करके उठा, फिर उसके बाद में मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के अभी आपके सामने हूँ, आपसे रूबरू हूँ। तो बरामदे में आया हूँ, और आज भी पापा की दावत है, पापा आज इफ्तार में हैं आज भी। तो आज भी हम अकेले इफ्तार करेंगे, तो जुम्मा स्पेशल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम अकेले इफ्तार करेंगे, मम्मी, मैं, कबीर और क्या बोल रहे हैं, और कुछ नहीं। फिलहाल मम्मी किचन में है और तैयारियाँ कर रही हैं, और जो भी होगा आप देखेंगे। बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए अरकान सिद्दीकी व्लॉग। शिन्ने शिदा दे, उठ जा, इतना सोने के लिए थोड़ी कहा था मैंने तेरे से, उठ जा भाई। कुछ नहीं, उठ जाओ, रोजे का टाइम हो रहा है, उठो बस। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, बस बस बस, इतनी देर सोते हैं बस। पानी आ जा, नानी दे रही, ये रे नानी, देखो नमाज पढ़नी थी। तो भी गाइस हमारा तो फ्रूट चाट कट करने का टाइम हो चुका है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़ा बहुत अच्छे से गया। मतलब जुमे का रोज़ा थोड़ा सा हार्ड होता है, मगर कुछ पता नहीं चला। और कबीर देखिए, कबीर तो सो रहा है, आज मैंने उसको ज़बरदस्ती सुला दिया, क्योंकि वो सोता नहीं है, दिन में सोता ही नहीं है। कम से कम बॉडी को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, तो आज मैंने सुला दिया, तो अभी तक वो उठने के लिए तैयार नहीं है। इतना सुस्त हो गया है, बिल्कुल उठ ही नहीं रहा वहाँ से। आपने देखिया कि जब मैं आपके सामने मैंने उठाया उसको, और जब से अभी तक लेटा ही है वो। ऐसा हो गया जैसे बड़े करते हैं ना, बड़े जैसे बड़े जानबूझकर नहीं उठते, उस तरह से कर रहा है। तो अभी भी लेटा है, उठ नहीं रहा है। तो अभी हम फिलहाल फ्रूट चाट कट कर रहे हैं कबीर के बिना, और यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें, और मैं चैनल मोनेटाइज के बहुत करीब हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, एक झटका मार दें मेरी वीडियो को जो वायरल हो जाए और एकदम मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है। फिलहाल बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए अरकान सिद्दीकी व्लॉग्स। ठीक है, हमारे तो इफ्तार की टेबल रेडी है, और आज भी हमारे पापा इफ्तार की टेबल पर नहीं होंगे, तो मम्मी, मैं, कबीर हैं, और देखिए कबीर अपने सीपर भी लेकर आ गया है। तो माशाल्लाह रेडी है हमारी इफ्तार की टेबल, और बस रोज़ा तैयार होना बाकी है। हाँ, फ्रिज में रखा और मैजिक हो गया, एकदम शेक बन गया एकदम, है ना। हमने हाँ हमने ऐसी रख दिया था, और ये तो बन के निकला है ना फ्रिज में से। तो कबीर के सामने मैंने ऐसी रख दिया था बिना बने शेक को, तो उसके सामने बना हुआ निकला। तो कबीर कह रहा है तो मैजिक हो गया, तो फ्रिज में से बन के निकला है ना कबीर। तो आज कबीर देखिए जुम्मा स्पेशल में पठानी शलवार कमीज, और हमारी माशाल्लाह इफ्तार की रौनक आप देख सकते हैं। तो कबीर देखिए बस बेताब है, क्योंकि कबीर का कल वाला ही शेक बनाया मैंने मिक्स वाला फ्रूट का, है ना कबीर। चलिए अभी वेट करते हैं और दुआ मांगते हैं। तो भी गाइस ऐलान होने स्टार्ट हो चुके हैं, और अभी सायरन नहीं बजे, ऐलान होने स्टार्ट हो गए, गौर से सुनिएगा।
चलिए चलते हैं इफ्तार करते हैं अंदर। ठीक है भी रोजे इफ्तार का टाइम हो गया है माशाल्लाह, जल्दी से खजूर लो और रोजे इफ्तार करो जल्दी से। मम्मी रोजे इफ्तार का टाइम हो गया, चलो। ओ कबीर सबसे पहले मुझे देता है, थैंक यू। चलो जल्दी से इफ्तार करो, माशाल्लाह देखो कितनी बरकतें हैं दस्तरखान पर, है ना कबीर। और कबीर का फेवरेट शेक भी बना लिया मैंने, तो चलो रोजे इफ्तार करते हैं। सबको जूस दे दूं? पहले रोजे इफ्तार तो कर लो, अब अपनी खजूर फिनिश करो जल्दी से, जल्दी जल्दी। मेरा कबीर कितना अच्छा लग रहा है टोपी में। बोलो जल्दी से, नमाज पढ़ी थी? जल्दी बताओ, नहीं पढ़ी आपने नमाज? आपने असर की पढ़ी थी मैंने। अच्छा दुआ पढ़ी थी आपने रोजे की? अच्छा चलो ठीक है। ये तो खाओ वाटरमेलन, वाटरमेलन तो खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। आज फिर चेक करते हैं कैसा बना है, कल के जैसा बना है या नहीं, तो चेक करते हैं। कल की जैसी बात नहीं है, जैसा कल बना था ना एकदम परफेक्ट, इतना जबरदस्त था ना, मज़ा आ गया था। कल के जैसा नहीं बना, थोड़ा मुझे हल्का लग रहा है कल से हल्का है। देखो रोजा इफ्तार करते हुए मोबाइल चाहिए इसको, यहाँ पे इफ्तारी की टेबल लगी हुई है, इफ्तार लगा हुआ है इफ्तारी हमारी, और इसको मोबाइल चाहिए, मोबाइल देखना है, गंदा बच्चा। तो गाइस मैं तो आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़कर घर वापस, और आज हमारा 22वां रोजा भी कंप्लीट हो चुका है, और आज 23वीं तरावी है, और आज हमारे अबू बकर बाग वाली मस्जिद में पूरा भी है जहाँ पर मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, और आज जुमे की नमाज भी पढ़ने गया था। जुमे की तो माशाल्लाह मैंने सारी अपनी यहीं पढ़ी है, और वैसे भी सारी नमाजें मैंने अपनी यहीं पढ़ी हैं और कहीं मस्जिद में नहीं गया, तो या तो घर पढ़ी है या फिर अपने मस्जिद में पढ़ी है। तो अभी फ़िलहाल हम बच्ची की इफ्तारी कर रहे हैं, ये देखिए हमारी बच्ची की उची इफ्तारी यहीं रखी है और यहाँ पर करेंगे, मम्मी भी नमाज़ पढ़ रही है, और कबीर देखिए अपने सीपर में जूस पी रहा है। तो पापा तो अभी तक नहीं आए हैं, पापा इफ्तार में गए हुए थे नमाज़ पढ़कर, शायद घर आए वापस, या शायद नमाज़ वहीं पढ़ी होगी जहाँ पर वो इफ्तार में गए थे, और खाना वाना करके आएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो जहाँ पर पापा गए हैं। तो अभी हम अकेले हैं आज का, तो हमने जुम्मा स्पेशल जो हमारा था ये व्लॉग था, इसमें हमने अकेले ही इफ्तार किया, कल भी हमने अकेले इफ्तार किया। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, बने रहिएगा एंड तक, देखते रहिए अरकान सिद्दीकी व्लॉग। गाइस मैं तो आ चुका हूँ वापस घर नमाज पढ़कर, और अबू बकर में कुरान पाक माशाल्लाह पूरा हो गया है, और मैं दुआ में गया था, और वैसे तरावी में निशान चाचा के पढ़ने गया था, वहाँ पर भी कल पूरा है हमारे निशान चाचा के घर पर भी, तो आज कलाम पाक हमारी अबू बकर मस्जिद में पूरा हो गया, मैं भी वापस घर आ गया हूँ। तो फिलहाल एडिटिंग करेंगे, और खाना बनाने का तो दिल है नहीं, तो मम्मी भी कह रही हैं तुम डेली खाना बनवा दो, खाते हो नहीं। तो फिलहाल जो भी आपने देखा उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, तो इस ब्लॉग पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।